हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। आज हम इन सारी बातों को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं, आज हम इन सारी बातों को लेकर ही पढ़ने वाले हैं और हम समझने वाले हैं गुप्त काल के प्रशासन को। किस चीज़ को? गुप्त काल के प्रशासन को हम समझने वाले हैं। तो आपने अगर इससे पहले के जो वीडियो रहे हैं उसमें हमने उनकी जो राज व्यवस्था होती उसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया था, ठीक है। तो आज जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्तकाल का जो प्रशासन है उसको कई भागों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। जैसे इसका पहला पार्ट था केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। क्या पार्ट था? केंद्रीय प्रशासन पार्ट था। दूसरा जो पार्ट था वो था नगर प्रशासन। क्या था? नगर प्रशासन था। तीसरा जो पार्ट था वो था ग्राम प्रशासन। चौथा जो पार्ट था वो था न्याय प्रशासन। ठीक है, अगला जो पार्ट था वो था सैन्य प्रशासन। कौन सा प्रशासन? सैन्य प्रशासन। और उससे जो अगला पार्ट था वो था पुलिस प्रशासन। और उससे अगला जो पार्ट था वो था भू प्रशासन। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को कि केंद्रीय प्रशासन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट नगर प्रशासन, तीसरा पार्ट ग्राम प्रशासन, चौथा पार्ट न्याय प्रशासन, पांचवा पार्ट सैन्य प्रशासन, ठीक है, छठवा पार्ट पुलिस प्रशासन, सातवा पार्ट भू प्रशासन। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? डिवाइड थी, बटी हुई थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था वो था केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, याद आया? ऐसे याद करो एक दो बार इसको। कैसे याद करना है? केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भू प्रशासन। एक बार वापस से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भू प्रशासन। इसको एक दो तीन बार बोलोगे आप लोग तो इसमें से आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे आपको। केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है, भू प्रशासन। तो ऐसे करके आप इनको एक दो बार बोलो ताकि आपको याद हो जाए। अभी बोलो, अभी जस्ट बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो सभी। केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भू प्रशासन, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे साहब हमको कैसे देखेंगे, हम तो वीडियो देख रहे हैं घर बैठ के आराम से, है ना। तो इसलिए इनको रिवाइज करते रहा करो साथ साथ ताकि याद हो जाए। अब देखिए, ये जो केंद्रीय प्रशासन था, ये जो केंद्रीय प्रशासन था इसकी भी कुछ डिवाइडेशन थे, कुछ भागों में बटा था। जैसे मैं डालूं प्रांत, ठीक है, क्या डाला मैंने? प्रांत डाला। अब प्रांत को कोई देश बोलते थे, प्रांत को भुक्ति बोलते थे, अवंती बोलते थे। इसके अलावा इससे जो छोटा पार्ट है वो उसको बोलते हैं विषय। क्या बोलते हैं? विषय। अब ये क्या है? ये जिला है, ठीक है, ये क्या है? तो ये जिला है। और इससे जो होता था उसको बोलते थे विथि। क्या बोलते थे गुप्त काल में? विथि। और विथि क्या होती थी? विथि को बोलते थे तहसील। क्या बोला जाता था? तहसील बोला जाता था किसको? विथि को। और उसके बाद आता था पेट, पेट, ठीक है। और नीचे दिख रहा है ना पेट, और पेट के बाद आता था ग्राम, गांव या ग्राम, ठीक है। तो आप लोग कस्बा मान सकते हो पेट को। और ये जो आपकी विथि है, ये जो विथि दिया ना, विथि, विथि को तहसील बोलते थे। इसके अलावा जो आपका ये विषय दे रखा है
इस विषय को जिला बोलते थे, ये जो प्रांत है तो इस प्रांत को ये लोग क्या बोलते थे, एक प्रकार से देश बोलते थे। बात समझ में आई कि केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार था। सबसे पहले प्रांत, उसके बाद विषय, उसके बाद विधि, उसके बाद पेट और उसके बाद ग्राम। समझ में आ गया। ऐसे भी और ऐसे भी आपको इनके क्रम तो याद करना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रश्न आता है कि सर जो गुप्तों की जो व्यवस्था थी तो वो कैसे है। इस प्रकार से अगर हम माने, इस प्रकार से माने कि भाई वो डिवाइड है, ठीक है, क्या है, बटी हुई है। देखिए, एक जो व्यवस्था होती है उसमें आता है केंद्रीकृत, ठीक है। एक व्यवस्था होती है केंद्रीकृत और एक व्यवस्था होती है विकेंद्रीकृत, दोनों का मतलब अलग है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। अब केंद्रीकृत व्यवस्था जो होती है इसका क्या मतलब है, केंद्रीकृत व्यवस्था होती है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। शक्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, केंद्र के पास होती हैं, और सत्ता का एक ही केंद्र होता है, वो होता है केंद्र। सत्ता का क्या होता है, केंद्र होता है, और शक्तियाँ केंद्र के अधीन होती हैं। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में होती है कि शक्तियों का विभाजन होता है, क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे आज की जो व्यवस्था है उस समय, तो जैसे किसी राज्य के राज्य हो गए तो राज्य में क्या था, शक्तियों का विभाजन दिया हुआ था, राज्यों में क्या किया था, शक्तियों का विभाजन था। इसके बाद राज्यों से फिर वो शक्ति कहाँ किस में विभाजित थी, आज की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जिला में विभाजित है, जिला परिषद हो गई, जिला प्रमुख हो गया, फिर जिला से जो शक्ति है वो कहाँ, तहसील स्तर पर, ठीक है, तहसील स्तर पर शक्तियों का डिवाइडेशन होता है। तहसील स्तर से फिर वो ग्राम पंचायत पर चले जाते हैं, तो ग्राम पंचायत पर कुछ शक्तियों का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो इससे हमको मालूम चलता है कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था है उसमें जो शक्ति हैं उनका क्या किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। तो इस प्रकार अब आप लोग सोचोगे चलो वर्तमान में तो ये व्यवस्था है, लेकिन क्या गुप्त काल में ये व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। कैसे थी, सामंतों के रूप में, ठीक है, किसके रूप में थी, सामंतों के रूप में। मतलब इसका मतलब बताओ, देखो मतलब देखिए, यानी कि छोटे जो प्रांत थे या फिर जो कुछ विषय थे, कुछ जिला थे, तो वहाँ पे जो शक्ति का संचालन होता था, देखो केंद्र में, यानी कि गुप्त काल में राजा क्या होता था, शक्ति का केंद्र होता था, और राजा से ही शक्ति का डिवाइडेशन था किसमें, सामंतों में, ठीक है, किसमें डिवाइड थी शक्ति, सामंतों में बटी हुई थी। तो इस प्रकार गुप्त काल की शक्ति को आप लोग केंद्रीकृत कह सकते हो, ये केंद्रीकृत भी थी क्योंकि जो सत्ता है उसका वास्तविक केंद्र कौन था, राजा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से चर्चा करें तो इनकी जो सत्ता है वो विकेंद्रीकृत भी थी, ठीक है, कैसी थी, इनकी जो सत्ता है वो विकेंद्रीकृत भी थी और केंद्रीकृत भी थी। अब इन दोनों का मतलब यह है कि राजा ये मानता था कि शक्ति का जो केंद्र है वो मेरे पास है, जो शक्ति है ना उसका जो केंद्र है वो किसके पास है, मेरे पास है, लेकिन वास्तव में जो शक्ति है वो सामंतों के रूप में डिवाइड थी, बटी हुई थी, क्योंकि सामंत भी अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रांतों में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करते थे। वो ऊपरी तौर पर राजा की बातें मानने का दावा करते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। बात समझ में आई। तो आप लोग इस डायग्राम को उतारो, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक बार से वापस देखो, गुप्तकाल का प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भू प्रशासन, और इसके अलावा जो केंद्रीय प्रशासन है वो प्रांत, विषय, विधि, पेट, ग्राम आदि में क्या था, डिवाइड था, बटा हुआ था। चलिए मिटा दें। तो
केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, भू प्रशासन, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो इसके जो समय था ना, गुप्तों का जो समय था, तो गुप्तों के समय में एक व्यवस्था और प्रचलन में थी। वो व्यवस्था क्या थी कि गुप्तों के समय पदों का वंशानुक्रम था। क्या थी? जो पद थे उनका क्या था? वंशानुक्रम। मतलब पदों का वंशानुगत होना। तो इस समय यह व्यवस्था जरूर पनप गई थी, क्योंकि पद जो थे वो क्या हो गए थे? वंशानुगत हो गए थे। यानी कि जो कवि है उसका बेटा कवि बनेगा, जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, मंत्री जो है उसका बेटा जो है वो मंत्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे बीरसेन के बाद हरिसेन आया, हरिसेन के बाद ध्रुवभूति, तो ध्रुवभूति ऐसे कर करके ये लोग सत्ता में बने हुए थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो लॉजिक माना जाता है, जो महत्वपूर्ण कारण इस काल का माना जाता है, वो ये मानता है कि इन लोगों ने एक से अधिक पदों पर अधिक अधिकार था। इनका क्या था? एक से अधिक पदों पर अधिकार। तो ये उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उस समय के जो अधिकारी थे वो अपने पास एक से ज्यादा पद रखते थे। ठीक है, क्या रखते थे? एक से ज्यादा पद जो है वो रखते थे। तो ये बात भी आपको जाननी है। एक से अधिक पदों पर अधिकार होना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको डालना है केंद्रीय प्रशासन। अब जो हमने इसके पार्ट पढ़े थे उनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन का सीधा सा मतलब यह है कि सत्ता का जो केंद्र था वो किसको माना जाता था? राजा को माना जाता था। किसको माना जाता था? सत्ता का जो केंद्र है वो माना जाता था राजा को। और राजा को सत्ता का केंद्र ही नहीं माना जाता, राजा को देवीय अवतार भी माना जाता था। क्या माना जाता था? देवीय अवतार भी माना जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था में इसको परमात्मा का स्वरूप माना जाता था, और इसको एक प्रकार से प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया उसका प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जो सत्ता है उसको चुनौती देने वाले लोग नहीं थे। और राजा की जो शक्ति है, राजा का जो एक अधिकार है, जो राजा का अधिकार होगा वो सत्ता का अधिकार होगा, इसलिए इसके एक अधिकार को लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपने आप को ईश्वर से जोड़ते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपने आप को ईश्वर से जोड़ते थे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, तो केंद्रीय प्रशासन जो है वो किसके अधीन था? राजा के अधीन था। तो राजा जो है, तो लिखना है इस काल में राजा को देवीय अवतार के रूप में, देवीय अवतार के रूप में पूजा जाता था। तो इस काल में राजा को देवीय अवतार के रूप में पूजा जाता था।
क्योंकि राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के मध्य विश्वास प्राप्त था। ठीक है, क्या प्राप्त था? विश्वास प्राप्त था लोगों के मध्य। तो इस काल में राजा को देवी अवतार के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के मध्य विश्वास क्या था? प्राप्त था। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये केंद्रीय प्रशासन का पहला पॉइंट है। इसमें राजा परमेश्वर, महाराजा अधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करता था। इसमें राजा एकेश्वरवाद परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करता था। ठीक है, बात समझ में आई? लोगों के सामने अपने आदर्श रूप को प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास राजा का होता था। ठीक है, तो यानी कि इसका ये व्यू था कि अगर मैं ऐसी ऐसी उपाधियां धारण करूंगा, एक ईश्वरवाद जैसी, परम भट्टारक जैसी, तो लोग क्या हैं, मुझे ईश्वर से जुड़ा हुआ मानेंगे। और ये जो सिद्धांत जो आम जनता में फैलाया जाता था कि राजा जो है वो क्या है, प्रतिनिधि है ईश्वर का, तो इन सब सारी बातों पे लोग क्या कर लेते थे उस समय, विश्वास कर लिया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए इनके कुछ पदाधिकारियों में इन्होंने क्या किया था, डिवाइडेशन कर रखा था इसी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन। तो जल्दी से इसको उतारिए, आपके पास 10 सेकंड है, फिर हम मिटा देंगे। तो पदों का वंशानुगत होना इस समय की एक प्रमुख व्यवस्था बन चुकी थी। एक से अधिक पद जो है वो धारण करना या एक से अधिक पदों पर अधिकार कर लेना, ये भी उस समय की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके अलावा केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन में इस काल में राजा को क्या माना जाता था, देव के अवतार के रूप में मान्यता मिलती थी। ठीक है, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि क्या किया जाता था, स्वीकार कर लिया जाता था। लोगों के मध्य क्या था, उसको विश्वास प्राप्त था। और ये एकेश्वर और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां जो है वो धारण करता था। ठीक है, अब देखिए आगे कि आगे क्या होता है। तो ये जो सबसे पहले मैं बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले जो मैं बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं, प्रतिहार। ठीक है, मैंने किसका नाम लिखा, मैंने
प्रतिहार का नाम लिखा, तो सम्राट के अंतःपुर का क्या था, प्रमुख था, सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख, ठीक है, तो सम्राट के अंतःपुर का क्या था, ये प्रमुख था, कौन, प्रतिहार। दूसरा जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको महाबलीधिकृत, ठीक है, महाबलीधिकृत, ये क्या होता था, इसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी मानते थे, यानी कि सेनापति। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या मानते थे, इसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो दंडनायक, तो दंडनायक का तो आप लोग जानते ही हैं कि ये न्यायाधीश होता था, दंड कौन देता है, न्यायाधीश देता है, ठीक है, दंड कौन देता है, न्यायाधीश देता है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये है क्या। अब देखिए हम चौथा बात करते हैं, तो यह है संधि विग्रहित, क्या है यह, है अगला संधि विग्रहित, यह कौन था फिर, संधि विग्रहित, संधि विग्रहित जो था ये क्या था, युद्ध, जो युद्ध होता है तो युद्ध में और शांति, इन दोनों का क्या था, ये मंत्री हुआ करता था, इसको बोलते थे संधि विग्रहित। युद्ध के समय उसका नेतृत्व तो नहीं करता था, लेकिन पूरी व्यवस्था का ये नेतृत्व करता था, दंडनायक, न्यायाधीश हो गया, महाबली तरीके सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो गया, और संधि विग्रहित युद्ध एवं शांति मंत्री हो गया, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा जो है उसको बोलते हैं दंडपासिक, क्या बोला जाता है इसको, दंडपासिक बोला जाता है, और दंडपासिक का मतलब क्या होता है कि दंडपासिक का मतलब होता है पुलिस से, दंडपासिक का मतलब किससे होता है, पुलिस से होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सैन्य प्रशासन के अंतर्गत पुलिस का जो उल्लेख है वो किया था, बात समझ में आई। तो दंडपासिक जो है वो क्या है, पुलिस है। अब देखिए अगला जो होता था उसको किस नाम से जानते थे, उसको विनय स्थिति स्थापक, उसको विनय स्थिति स्थापक के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब क्या होता है, विनय स्थिति स्थापक का मतलब होता है कि जो धर्म, नैतिकता धर्म, नैतिकता, आदर्श आदि की स्थिति का ध्यान रखें, आदि की स्थिति का क्या रखे, ध्यान रखे, तो उसे किस नाम से जानते हैं, विनय स्थिति स्थापक के नाम से जाना जाता है। ये धर्म, नैतिकता, आदर्श आदि की स्थिति का ध्यान जो रख सके, बात समझ में आई। ये इसके प्रमुख क्या थे, अधिकारी थे। इसके अलावा एक होता था, नीचे दिख रहा है ना तुमको, चलो एक और आ जाएगा, एक और होता था जिसको बोलते थे कुमारामात्य, इसको क्या बोलते थे, कुमारामात्य बोलते थे, ठीक है। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल था, कुमारामात्य, कुमारा
मात्र सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। बिल्कुल समझ लीजिए, जैसे आजकल क्या होता है, एक आईएएस होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही ये अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, कैसा अधिकारी हुआ करता था? एक बिल्कुल जैसे आईएएस अधिकारी होता है, तो बिल्कुल वैसे ही ये हुआ करता था। एक आईएएस की पावर के समान, जितना आज आईएएस का पद महत्वपूर्ण है, वैसे ही इसका भी पद जो है वो क्या था, महत्वपूर्ण था। तो इसलिए ये जो प्रमुख पद हैं वो आपको उतारने हैं और आपको एक एक करके इनका अध्ययन करना है कि प्रतिहार जो थे वो सम्राट के अंतःपुर के क्या थे, प्रमुख थे। महाबली अधिकृत जो है वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। दंडनायक जो है वो न्यायाधीश था। संधि विग्रह क्या था, युद्ध एवं शांति मंत्री था। दंडपाशक जो है वो पुलिस था। विनय स्थिति स्थापक जो था वो धर्म नैतिकता आदर्श आदि की स्थिति का ध्यान रखता था। और कुमारामात्य जो था वो कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण क्या था, अधिकारी था। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही। कल हम इससे आगे की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे के जो पॉइंट हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।